अभी जो अपन आज चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है क्या? ट्राइंगल्स। अगर अपन बात करें, चैप्टर का नाम क्या है आपके पास? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स। और हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलरिटी। एक बात ध्यान रखना, मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है ये समझाना कि ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क है। अभी तक बचपन से हम पढ़ते आए हैं कॉन्ग्रुएंसी, ध्यान रखिएगा, जो आप बचपन से पढ़ के आए हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर एक ट्राइंगल आपके पास ए बी सी है, ए बी सी है, और एक ट्राइंगल आपके पास पी क्यू आर हुआ था, तो ये दो ट्राइंगल को बहुत बार आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे अलग अलग तरीके से, जिसमें कभी आप यूज करा करते थे एस एस, कभी आप यूज करते थे एस एस एस, कभी आप यूज करते थे आर एच एस, कभी आप यूज करते थे ए ए एस। तो सर ऐसी बहुत सारी कॉन्ग्रुएंसी आप यूज करते थे जिससे ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल का डिट्टो सिमिलर हो जाता था, ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल का डिट्टो सिमिलर हो जाता था। कॉन्ग्रुएंसी का एक मन अर्थात ये भी था अब अगर अपन बात करें डिट्टो सिमिलर हो जाए इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी वर्ड में, जब ये ए बी सी को अगर आप पी क्यू आर की तरफ रखते, पी क्यू आर के ऊपर रखते, तो एक ट्राइंगल के बाद दूसरा ट्राइंगल दिखाई नहीं देता, इतनी सिमिलरिटी आती, इतनी सिमिलरिटी आ जाती। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या थी? कॉन्ग्रुएंसी। ये तो आपकी क्या थी? सर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अगर अपन बात करें तो सर अब सिमिलरिटी क्या होती है, अपन उस पर चलते हैं। तो देखो, दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, मतलब उनका डिट्टो सिमिलर होना जरूरी नहीं, उनका डिट्टो सिमिलर होना जरूरी नहीं, मतलब डिट्टो कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं। हो सकता है एक ट्राइंगल ए बी सी हो और दूसरा छोटा सा ट्राइंगल पी क्यू आर हो, दूसरा छोटा ट्राइंगल क्या हो? पी क्यू आर। क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि एक दूसरे को डिट्टो इक्वल है, सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस कि इसके तीनों एंगल से बहुत बार इक्वल हो सकते हैं। अगर इसके तीनों एंगल उसके तीनों एंगल इक्वल है तो ये ट्राइंगल डिट्टो इक्वल नहीं है, डिट्टो इक्वल नहीं है, बट ये सिमिलर है। एक जैसे, एक बड़ा मॉडल है, एक छोटा मॉडल है। एक अपन टीवी का बड़ा मॉडल लेने गए, एक छोटा मॉडल लेने गए, अपन ने उनसे पूछा इन दोनों में फर्क क्या? बोला सर देखो ऐसे तो पूरा सिमिलर है, बस एक बड़ी साइज में एक है, में छोटी साइज में, इसका भी वही एंगल है, इसकी भी वही साइड्स है, तो इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सिमिलरिटी। तो जो पहली कंडीशन सिमिलरिटी की होती है वो ये होती है कि भाई दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, मतलब इसका एंगल ए इज इक्वल टू उसका एंगल पी, इसका एंगल बी इज इक्वल टू उसका एंगल क्यू, और इसका एंगल सी इज इक्वल टू इसका एंगल आर। अगर ये सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ए ए और ए से। एक और ट्रिक बताऊं, कोई बच्चा दिमाग में बोलना चाहेगा सर किसी भी ट्राइंगल के अगर कोई भी दो एंगल ही इक्वल हो जाए तो ऑटोमेटिकली तीसरा तो इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो हम बहुत बार ए ए ए यूज करने की जगह हम बोलते हैं भाई तुम तो किसी भी दो एंगल इक्वल कर दो। कौन सा एंगल इक्वल कर दो? दो एंगल इक्वल कर दो तो भी ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। रीजन बीइंग अगर इसका एंगल ए और इसका एंगल पी, इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू अगर इक्वल हो गया, समझो अगर ये 50 है और ये भी 50 है, ये 70 है और ये भी क्या है? 70। तो सर ऑटोमेटिकली इसका बचा हुआ भी 60 होगा, उसका बचा हुआ भी क्या होगा? 60। तो आपको वो बोलने की जरूरत वैसे तो है ही नहीं, तो इसलिए हम नॉर्मली सिमिलरिटी में ए ए ए की जगह का यूज करते हैं ए ए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल इसके इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब तीनों एंगल ही इक्वल हो गए, क्योंकि ट्राइंगल का सम तो 180 ही होता है ना सर। ठीक है, अच्छी बात है। सर साइड्स का क्या हिसाब किताब होता होगा? देखो साइड्स इक्वल नहीं होती, बट हाँ साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मतलब क्या कि इसकी जो ए बी है अपॉन में इसकी पी क्यू, मतलब इसकी ए बी अपॉन में इसकी कितना? पी क्यू इज इक्वल टू इसकी क्या? बी सी अपॉन में उसकी क्या? क्यू आर इज इक्वल टू उसकी ए सी अपॉन में पी आर। मतलब इन साइड्स का रेशियो इक्वल होना जरूरी, साइड्स इक्वल होना जरूरी नहीं है। सर एग्जाम्पल दो, आप एग्जाम्पल देके समझाओ। तो अगर मैं एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँ आप लोगों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, तो अगर मैं बोलूँ इसकी ये साइड आठ है,
इसकी ये साइड 10 है और समझो इसकी ये साइड मान लेते हैं अपन 12 है, ठीक है ना, और इसकी ये साइड 4 है, इसकी ये साइड 5 है और इसकी साइड क्या है 6, तो क्या इनका रेशियो इक्वल आ रहा है? ए बी बताओ कितनी आ गई 8, बताओ बी पी क्यू कितनी आ गई 4, बताओ बी सी कितनी आ गई 10, क्यू आर कितनी आ गई 5, ए सी कितनी आ गई, ए सी इज 12 और पी आर इज व्हाट 6। सर मतलब सबका रेशियो 2:1, 2:1, 2:1। तो सर आप समझाना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ सिमिलैरिटी में जब ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं सिमिलर, तो उन ट्राइंगल का एग्जैक्टली इक्वल होना जरूरी नहीं है, उनकी साइड्स का रेशियो, उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और उनके एंगल इक्वल होगा। तो सर अगर साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया तो वो ट्राइंगल कौन से सिमिलर कराएंगे? एस एस एस, क्या कहलाएंगे? एस एस एस। और अगर एंगल इक्वल होगा तो क्या कहलाएंगे? ए ए। सर क्योंकि कोई भी दो एंगल अगर इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। सर एक बार और समझा दो ना, तो समझाने की बात कुछ इतनी सी है कि अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे अच्छे से और सिस्टमेटिकली थोड़ा सा फिर से छोटा सा एक रिविजन ले लें, तो क्या सर ट्राइंगल कितना बड़ा, कौन सा ट्राइंगल अगर मैं बात करूं अच्छे से और आराम से, एक बहुत बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, एक बहुत बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, क्या एक बहुत छोटे ट्राइंगल पी क्यू आर से सिमिलर हो सकता है क्या? तो जवाब है हाँ। कब हो सकता है? जब इसके तीनों एंगल्स, कोई दो भी एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। तो किसी भी दो एंगल अगर मैं बोलूं, अगर आप बोल सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू कितना है एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू कितना है एंगल क्यू, तो सर वैसे तो ऑटोमेटिकली इससे फिर एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल आर, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय वॉट? ए ए। ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय वॉट? ए ए। सर इसके साथ ही इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, साइड्स इक्वल नहीं होंगी, साइड्स का रेशियो मतलब इसकी साइडी ए बी, ठीक है, अपॉन में इसकी क्या पी क्यू, इसकी साइडी बी सी, अपॉन में इसकी क्या क्यू आर, और इसकी साइडी ए सी, अपॉन में उसकी क्या पी आर, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। चले सर अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रूप से सीखेंगे नेमिंग ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं तो नेमिंग ऑफ ट्राइंगल्स बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी सर इसका मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास ये ट्राइंगल है, आप ध्यान रखिएगा ए बी सी, ठीक है, एंड देयर इज अनदर ट्राइंगल विच इज व्हाट पी क्यू आर, ये आपको 4 गिवन है, ये आपको 8 गिवन है और ये आपको 7, ठीक है, ये आपको 7 गिवन है और ये आपको अगेन 8 गिवन, ठीक है, तो आपको इसका याला एंगल गिवन है कितना 40, इसका भी याला एंगल गिवन है आपको 40, ठीक है ना, और इसका ये वाला एंगल है आपको गिवन है लेट से 100 और इसका ये वाला एंगल गिवन है आपको 100, ठीक है। तो पहली मुद्दा तो ये उठता है क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है क्या? अब अगर अपन बात करें, देखो सर आपकी बात अगर हम माने तो ये वाला एंगल आपने 100 बताया, तो आप सीधे बोल दोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू कितना 40, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। इन शॉर्ट इसी के थ्रू आप बोल सकते हो बचा हुआ कौन सा एंगल हो गया बी इज इक्वल टू कितना एंगल क्यू, वो कुछ भी हो भले वो 40 अपने को मालूम पड़ रहा है तो ठीक है, वरना अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो ये ट्राइंगल सिमिलर तो हो गए, सिमिलर तो हो गए किससे, बाय ए ए। ये ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए बाय वॉट ए ए। अब क्या समझने की बात है, आप इस ट्राइंगल को ए बी सी नहीं लिखो, बिल्कुल नहीं लिखो, जब आप लिखोगे ना तो इसके ए के साथ उसका क्या इक्वल हो रहा है पी, इसके सी के साथ उसका क्या इक्वल हो रहा है आर,
इसके बी के साथ उसके क्या इक्वल हो रहा है क्यू, तो आप ऐसा लिखोगे कि ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। जिस एंगल के साथ जो एंगल सिमिलर है वही लिखना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी में अपन आगे पीछे कुछ भी लिख देते, एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, एबीसी सिमिलर टू आर पी क्यू, लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा लिखना गुना हो जाए। तो जिस एंगल के साथ जो एंगल सिमिलर है, जिस एंगल के साथ जो एंगल क्या है सिमिलर, अपने को उसको उसके साथ ही लिखना पड़ेगा। और फिर इनका जो नाम लिखा है ना अपन, जिनका नाम लिखा है उसी के हिसाब से अपन की साइड्स का रेशियो लिखेंगे। जैसे क्या है, इसकी ए सी पहले की दो अपॉन में इसकी पी आर, इसकी बी सी या सी बी जो भी आप बोलो अपॉन में इसकी कितना आर क्यू आखिरी की, इसकी ए बी अपॉन में उसकी क्या दोस्तों पी क्यू। ऐसा आपको लिखना जरूरी है, ऐसा आपको लिखना जरूरी है। तो पहले तो यहां तक देखो, समझो, समझ में आ जाए, फिर अपन आगे बढ़ते। अभी देखो, अगर कोई मुझसे पूछे कि इसकी साइड्स निकाल के दे, इसकी पी क्यू आर की ये साइड्स एक्स और वाई, तो मैंने बोला यार मैं तो निकाल दूंगा, क्योंकि सर आपने अभी तो लिख दिया कि इनके साइड्स के रेशो क्या है इक्वल। तो अगर इनके साइड्स के रेशो इक्वल है तो कहना है से जो एसी है, एसी कितनी है आठ अपॉन में पीआर, पीआर के बारे में नहीं पता, तो आठ अपॉन में कितना वाई इज इक्वल टू सी बी कितनी है आठ अपॉन में क्यू आर कितनी है चार इज इक्वल टू ए सी कितनी है ए बी कितनी है सात अपॉन में कितना एक्स। तो ये वन सा ये टू सा, तो कैनवाई से कैनवी से एट बाय वाई इज इक्वल टू टू और 7 by x is also equal to what? 2. तो y is equal to कितना हो जाएगा? y is equal to हो जाएगा 1 जा ये 4 जा, है ना? और x 1 जा ये कितना आ जाएगा? 3.5. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5. एक बार चेक कर लो, यहाँ तक कर लो, फिर धीरे धीरे आगे बात करेंगे ऐसी कुछ। एक ट्रायंगल है आपके पास, डी एफ, और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास एम एन क्यू। इसका ये एंगल 50 है और ये एंगल 70 है, इसका ये 50 है और ये 70 है, ये 5 गिवन है, ये आपके पास 10 गिवन है। अगर मैं बात करूं तो एक मिनट ध्यान से, अगर मैं बात करूं, एक मिनट समझिएगा, ये तो आपके पास कहाँ गया, हाँ ये आपके पास 5 गिवन है, ये आपके पास 10 गिवन है, ये 2 गिवन है और ये कहीं ना कहीं आपके पास 4 गिवन, ठीक है। अब पहली बात तो क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं? इसके लिए सर देखना पड़ेगा कि सर इसका एंगल ई इज इक्वल टू उसका एंगल एम, तो इसका ई इज इक्वल टू उसकी किसके इक्वल है एम के, कितना 50। इसका एंगल एफ इज इक्वल टू उसका एंगल कौन सा एन इज इक्वल टू कितना है 70। सर देखो ये बात कंफर्म हो गई युक्ति वाली कि हाँ इन दोनों ट्राइंगल के दो दो एंगल इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो तीसरा एंगल है एंगल डी is equal to angle क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली Q। सर ये ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए बाय वॉट ए ए, ये ट्राइंगल तो क्या हो गया आपके पास सिमिलर बाय वॉट ए ए। बात समझने की ये नाम, सर इसका नाम रखेंगे अपन ई एफ डी और इसका नाम रखेंगे एम एन क्यू। डी एफ बोलने की गलती मत कर देना, तो आपको बोलना क्या पड़ेगा ट्राइंगल ई एफ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम एन क्यू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी नेमिंग समझना कि इसके ई के साथ उसका एम इक्वल है, इसके एफ के साथ उसका एन इक्वल है और इसके डी के साथ उसका क्या इक्वल है क्यू। तो ये जानना बहुत जरूरी है और सिस्टमेटिक बात भी है। सर ठीक है, अगर हम आपकी बात माने तो इससे कौन सी साइड्स किसके इक्वल हो जाएगी, तो अपने इनके नाम अगर एक बार ढंग से लिख दिया तो इसके जूम पहले तो क्या है ई एफ,
इज इक्वल टू उसकी क्या MN. इसकी EF अपॉन में उसकी क्या MN इज इक्वल टू इसकी आखिरी की दो FD इज इक्वल टू उसकी आखिरी की दो NQ इज इक्वल टू इसकी कौन सी ED इज इक्वल टू उसकी कितना MQ इसकी ED इज इक्वल टू उसकी कितना MQ तो ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे हुए बाय AA सर अगर एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स के रेशो क्या इक्वल होंगे हाँ साइड्स के रेशो क्या होंगे इक्वल तो अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो बताओ EF कितना है EF 5 आपके पास MN कितना है 10 FD कितना है सर FD है 4 NQ के बारे में पता नहीं ED DE पता है क्या कितना है और MQ के बारे में पता नहीं लेकिन क्या निकाल सकते हैं सर देखो अब तो अपने पास रेशो आ गया तो अगर आपसे हम थोड़ी सी बात करें सिस्टमेटिक वाली कि कैसे निकालेंगे तो देखो ना अगर अपन बात करें थोड़ी सी और सिस्टमेटिक लेवल पे तो NQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इन दोनों को इक्वल करेंगे सर NQ इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और इसको अगर 1/2 से इक्वल करेंगे तो MQ is equal to कितना आ जाएगा 4 एक बार चेक करो समझो फिर अपन आगे बात करें अब एक बात समझो अगर मैं आपको दो ट्राइंगल दूं अगर अपन बात करें ये अपने पास एक ट्राइंगल है A B C और एक ट्राइंगल है अपने पास PQR ये 5 है ये 7 है ये 4 है और ये एक मिनट अगर अपन बात करें ये 2 है ये 2.5 है और ये 3.5 तो पहली बात तो क्या ये ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे सर चेक कैसे करते हैं कि सर देखो इसकी BC अपॉन में उसकी कितना पी आर अगर अपन चेक करें बी सी अपॉन में कितना पी आर वो कितना आ रहा है 5 अपॉन में 2.5 मतलब बी सी तो साथ में रहेगी ठीक है ना फिर सर आपके साथ और चेक करें तो इसकी ए सी इसकी क्यू आर मतलब ए सी और इसकी कितना वो भाई हो कैसे बोलेंगे कि सेम है ये ट्रायंगल उल्टा रखा हो तो इसको तो बोल रहे हैं तो AC कितनी 4 और QR कितनी 2 और सर क्या उसकी AB अपॉन में PR तो सर इसकी AB कितनी है 7 PQ AB और PQ इसकी AB कितनी है भाई 7 और PQ कितनी है 3.5 तो सर चेक करो क्या सबका रेशो 1:2 1/2 आ रहा है और हाँ इसका मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर है हाँ। इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या है सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 और ध्यान रखो ए बी साथ में ही है पी क्यू साथ में ही है अब ए बी और यहाँ पे क्या लिख लिया आपने पी क्यू इसमें बच के गया सी तो सी और इसका कितना आर ये आपस में क्या हो जाएंगे सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल वॉट PQR ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू व्हाट ट्राइंगल पी क्यू आर एक बार चेक करो समझो फिर जवाब चले अब कुछ बातें बोल रहा हूं देखो जरा कभी आप लोग समझ पाओ इसको भी ध्यान से अच्छे से तो सर ठीक है करते हैं गेम को एक तरफ है मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी दूसरी तरफ है मेरे पास ट्राइंगल पी क्यू आर मुझे ये गिवन है अगर मैं बात करूं तो ये गिवन है 12 ये गिवन है 6 ये गिवन है 40 यहाँ पे ये गिवन है मुझे 6 ये गिवन है 3 और ये गिवन है 40 अभी क्या ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं देखो सर अगर हम आपकी बात माने जैसा आपने सिखाया है तो क्या ए बी इसकी ए बी
अपॉन में इसकी पी क्यू, ये भी अपॉन में पी क्यू, क्योंकि शायद है 12 अपॉन में कितना 6 इज इक्वल टू क्या इसकी बी सी अपॉन में क्यू आर, जो कि शायद है 6 अपॉन में कितना 3, क्या ये आपस में इक्वल है? सर देखो दिख तो रही है, हाँ यार ये दोनों 2:1 ही है, क्योंकि ये भी यहाँ पे 2:1 आ रहा है और ये भी यहाँ पे कितना आ रहा है 2:1, तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, और एंगल बी इज इक्वल टू क्या है एंगल क्यू, तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया बाय वॉट ए ए बाय वॉट ट्राइंगल ए बी सी हाँ बाय वॉट सॉरी एस एस बाय वॉट एस ए एस, दो साइड के बीच में फंसा एक एंगल, दो साइड के बीच में फंसा एक एंगल, दो साइड के बीच में फंसा एक एंगल, दो लड़कियों के बीच में फंसा एक लड़का, तो अगर अपन बोले तो इसको बोलते हैं अपन क्या एस ए एस। क्या ये ट्राइंगल देखो समझो, क्या ये समझ में आया क्या, एक बार लिख लो फिर अपन आगे बात। अब ध्यान रखिएगा हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसका नाम है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम कुछ नहीं बोलती है, थ्योरम एक बात बोलना चाहती है कि कोई भी अगर ट्राइंगल है, कोई भी क्या है अगर ट्राइंगल है ए बी सी, कोई भी अगर ट्राइंगल है कौन सा ए बी सी और उसके अंदर आपने एक लाइन बना दी पी क्यू, अगर एफ पी क्यू पैरेलल टू क्या है बी सी, किसी भी एंगल से पी क्यू क्या हो गई पैरेलल टू बी सी, देन आपको ये बोलना चाहती है कि इसके जो साइड्स हैं ए पी अपॉन में पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी। ये थ्योरम बोलती क्या है, ये थ्योरम सिर्फ इतनी सी बात बोलती है कि अगर किसी भी एंगल से अगर ये गिवन है पी क्यू पैरेलल टू बी सी, तो ये बोलती है ए पी अपॉन में पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी। सर एक बार इस थ्योरम का और अर्थात बताओ, यहाँ ये यूज कैसे आएगी, ये यूज ऐसे आएगी कभी आपको ये गिवन है ये 1.5 मान लो ये 3 ये 1 है और किसी ने पूछ लिया क्यू सी निकालो, तो क्या अपन निकाल सकते हैं? सर ये थ्योरम ऐसी होती है कि भाई ये 1.5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में कितना एक्स, तो सर बाय डिफॉल्ट ये 1 जा ये कितना 2 जा, तो सर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये थ्योरम और कैसे यूज आती है, ये थ्योरम एक बात और बोल देती है, बहुत ध्यान रखिएगा काम की बात बोलती है थ्योरम, कि सर अगर ये आपस में पैरेलल है तो ये लाइंस क्या होंगी, अगर मैं बात करूं अगर if a line joining the points of any two sides of a triangle and is parallel to what third side then other two sides are divided in the same ratio। अगर अपन बात करें बस ये थ्योरम इतना सा मजाक समान बोल रही है कि अगर ये दो पॉइंट को जोड़ के कोई सी भी लाइन बनाते हो जो कि तीसरी साइड से आपस में क्या होती है पैरेलल, ये जो बाकी की दो साइड्स होंगी ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, मैं नहीं बोलूंगा हाफ, सेम रेशियो में। सर कोई और क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि आप समझा के दिखाओ, मैंने बोला एक क्वेश्चन देता हूं, अगर मैं तुमको बोलूं इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये गिवन हो कि भाई एक ट्राइंगल है ए बी सी, फिर आपको बोल के रखा है कि भाई इसका ये जो डी ई है वो पैरेलल है और अब ये 1.8 है, ये 5.4 है, ये 7.2 है, बताओ ये कितना होगा, क्या ये आप निकाल सकते? सर कैसे निकालेंगे, मैंने बोला देख मेरे हिसाब से ऐसा करेंगे एक्स अपॉन में कितना 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन में 5.4 बाय वॉट बी
बीपीटी जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये वंजा हो जाता है, ये कितना होता है त्रिजा, और सर ये वंजा और यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, ये टूजा 2.4। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 2.4, x कितना हो जाएगा आपके पास, सही है यहाँ तक पक्का, एक बार चेक।